की सबसे बड़ी खबर, नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। सीलमपुर में लोग विरोध पे उतर आए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीलमपुर में लोग विरोध पर उतर आए हैं। जाफराबाद और सीलमपुर में विरोध प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी हुई है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। सीलमपुर मेट्रो स्टेशन को अब खोल दिया गया है, पहले बंद कर दिया गया था। हालात अब नियंत्रण में है, दिल्ली पुलिस का कहना। उपद्रवियों को मौके से हटाया गया है। नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था दिल्ली में, दिल्ली के सीलमपुर और जाफराबाद में विरोध प्रदर्शन। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी हुई है। और जामिया के अंदर क्या हालत बनी हुई है, क्या हालात है जरा देखिए। जामिया की तस्वीर है ये, यूनिवर्सिटी के बाहर की तस्वीर। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जरा समझिए सिलसिलेवार तरीके से क्या हो रहा है। नागरिकता संशोधन कानून ये बन चुका है, पहले ये बिल दोनों सदनों में पारित हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, कानून बना, और अब लोग विरोध पर उतर आए हैं। नॉर्थ ईस्ट में विरोध हो रहा था, असम में हो रहा था, गुवाहाटी में हो रहा था, पश्चिम बंगाल में भी विरोध की तस्वीरें सामने आई थी, हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, लखनऊ, अलीगढ़ और अब दिल्ली। अरे मैं तो, हालत खराब हो रही है। और सीलमपुर से दिवांशु मल्होत्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो मौके पर मौजूद है और स्थिति का सीधा जायजा ले रहे हैं। दिवांशु, सीलमपुर में आप मौजूद हैं, क्या सब कुछ नियंत्रण में है? देखिए बिल्कुल रंजना, सीलमपुर की जो स्थिति खराब करने की कोशिश की गई थी कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से, लेकिन पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन कर लिया है। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप पत्थर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से पथराव हुआ था सुबह, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर जो स्थिति है उसको कंट्रोल कर लिया। हालाँकि स्थिति को काफ़ी बिगाड़ने की कोशिश ज़रूर की गई थी, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर पथराव हुआ है। और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सड़क आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल सीलमपुर से और मौजपुर तक जाती है। दोनों तरफ से जो रोड है बिल्कुल तरीके से बंद कर दी गई है, और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जबरदस्त तरीके से पथराव हुआ है। और सामने आपको दिखाना चाहूंगा कि 2 से 3 एम्बुलेंस आप देख पा रहे होंगे, और इसके साथ साथ जो आरएफ की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग अभी, कुछ भीड़ यहाँ पर अभी देखने को हमें जरूर मिल रही है, लेकिन पुलिस उनको भी समझाने की कोशिश कर रही है कि उनको भी यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि जिस तरह से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, तो ऐसे में कुछ असामाजिक तत्व स्थिति को खराब करने की कोशिश करते हैं। और दिल्ली के जामिया नगर में जो भी कुछ हुआ उसी स्थिति को दोहराने की कोशिश यहाँ पर की जानी थी, यहाँ पर कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने पूरी स्थिति जो है वो कंट्रोल कर लिया है। फिलहाल सड़क तो दोनों तरफ से बंद है, लेकिन अभी भी कुछ सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लोग यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि उनको यहाँ से हटाया जाए। इससे दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि कुछ पुलिसकर्मियों को भी यहां पर चोटें आई हैं, और यही वजह है कि तमाम जितने पुलिसकर्मी हैं इस तरीके से हेलमेट्स लगाकर यहां पर बैठे हैं। और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की जो रिजर्व बटालियन रहती है वो यहां पर तैनात है। ये देखिए, ये सामने आपको दिखाना चाहूंगा कि ये बैरिगेट के पीछे जो आप बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहां पर दिल्ली पुलिस की जो रिजर्व बटालियन है उसको भी यहां पर तैनात कर दिया गया है कि अगर स्थिति जो है यहां पर खराब होती है तो उसको कंट्रोल किया जाए। इसके साथ साथ सामने आप देख पा रहे होंगे कि फायर जो टेंडर है वो भी यहां पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है कि अगर स्थिति दोबारा से खराब होती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। सामने मुझे जो है एम्बुलेंस भी मैं देख पा रहा हूं। इसके साथ साथ आरएफ की जो दंगा नियंत्रण जो वैन रहती है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये जो सामने आप देख रहे हैं फ्लाईओवर, ये दरअसल सीलमपुर का फ्लाईओवर है। ऊपर काफी भीड़ लगी है, लोग देख यहाँ पर देख रहे हैं कि आखिर ये पूरा चल क्या रहा है, लेकिन इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुबह स्थिति कितनी खराब। जी दिवांशु, इसी भीड़ को देखकर लगता है कि हालात बेकाबू ना हो जाए, जांच का विषय है, तथ्य सामने आने चाहिए, लेकिन पहली प्राथमिकता है माहौल शांत रहे। जी, उपद्रवी यहां पर और ज्यादा माहौल को ना बिगाड़े, इसके लिए क्या तैयारी की जा रही है प्रशासन की तरफ से?
देखिए बिल्कुल माहौल दोबारा से बिगड़े ना, इसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया है कि अगर आपकी जरूरत पड़ती है तो आपको हम कॉल करेंगे, आप अपनी यहाँ पर कंपनी को भेजिएगा। इसके साथ साथ RAF की कई कंपनियां जो है वो पूरी तरीके से तैनात है। हालांकि खबर ये भी आ रही थी कि कुछ देर पहले यहाँ पर जो पथराव हुआ उसमें कुछ पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए, और इसके साथ साथ RAF जो कि दंगा नियंत्रण जो फोर्स रहती है उनके भी कुछ सुरक्षा कर्मियों को चोटें लगी हैं, लेकिन उनका शास्त्री पारक के जग प्रवेश अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन इस तरीके का माहौल दोबारा ना बिगड़े इसको लेकर दिल्ली पुलिस के तमाम जितने बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो DCP लेवल के अधिकारी हों वो मैदान में उतरे हुए हैं, जॉइंट CP लेवल के अधिकारी हों वो मैदान में। अब से कुछ ही देर पहले हमने नॉर्दर्न रेंज के जॉइंट CP को सुना, उन्होंने साफ कहा कि हमने स्थिति को जो है वो कंट्रोल कर लिया है। इसके साथ साथ सिलमपुर के तमाम जितने RWAs हैं उनसे भी लगातार लोकल लेवल के जो SHOs हैं, तमाम जितने लोकल लेवल के अधिकारी हैं वो तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी यहाँ के जो आम लोग हैं उनको समझाइए, उनको घर से निकलने के लिए रोकिए, क्योंकि जब तक लोकल लेवल के RWAs इस पूरे मामले में सामने नहीं आते। इसके साथ साथ अमन चयन कमेटी जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि आम लोग जो है यहाँ से घर से ना निकलें, क्योंकि उनको चोट लग सकती है, क्योंकि इस तरीके से ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई हिंसा भड़कती है तो उसमें असामाजिक तत्व जो है वो मैदान में आ जाते हैं, उनकी तरफ से काफी उपद्रव जो है मचाने की कोशिश की जाती है। और दिल्ली के जामिया नगर में भी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ जो असामाजिक तत्व हैं वो मैदान में आए, उन्होंने आगजनी की, उन्होंने कई बसों में तोड़फोड़ की, आग भी लगा दी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि RWAs के साथ बैठक की जाए और लोकल लेवल के तमाम जितने चीजें रहती हैं उनको देखा जाए। लेकिन फिलहाल सिलमपुर की बात करें तो यहाँ पे स्थिति को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, और अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर और भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया जाएगा, लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल नजर आ रही है। रंजना, बिल्कुल, तो स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है, ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं। आप दिखाएं जरा हमारे दर्शकों को दिव्यांशु कि फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं। देखिए बिल्कुल रंजना, मैं आपको फिर तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये दरअसल सिलमपुर से मौजपुर तक जाती है, और मैं अपने कैमरामैन आकाश को बोलूंगा कि थोड़ा आगे आएं और आपको एक बार फिर मैं तस्वीर आपको दिखाएं कि आखिर यहाँ पे दरअसल हुआ क्या था। ये पत्थर आप देख पा रहे हैं, ये जबरदस्त तरीके से यहाँ पर पथरा हुआ है, और ये जो पूरी सड़क है इसमें सिलमपुर की पूरी मार्केट है, और यहाँ पर कई ऐसा देखा गया है कि कई दुकानों में चोट भी आई है, कई दुकानों में तोड़फोड़ भी हुई। ये देखिए, ये पूरी सड़क पर आप पथराव देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से यहां पर पथराव हुआ। लेकिन दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और यहां पर जो उपद्रवी हैं उनको यहां से हटा दिया, और लेकिन अभी भी दिल्ली पुलिस के बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। RAF के तमाम जितने पुलिसकर्मी होते हैं वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस के जो अधिकारी हैं वो उन लोगों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहां से हट जाइए, आपको चोट भी लग सकती है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो भीड़ में घुसते हैं, उसके बाद कुछ ऐसा करते हैं जिसका खामियाजा पूरे उसको भुगतना पड़ता है, पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। लेकिन फिलहाल स्थिति को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है, और पीछे एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। फायर डिपार्टमेंट पूरी तरीके से अलर्ट है, कैट्स एम्बुलेंस पूरी तरीके से अलर्ट है, RAF पूरी तरीके से अलर्ट है कि अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा से उनके जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पे लाया जाए, और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब करने की कोशिश अगर की जा रही है तो उसको वापस कंट्रोल किया जाए। रंजना, बिल्कुल, सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और काफ़ी हद तक जो हालात हैं वो काबू में भी आ चुके हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये खड़ा होता है कि ये हालात इतने बिगड़े कैसे दिव्यांशु? देखिए बिल्कुल, आज सुबह कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जो सड़कों पर आए, उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ जब भीड़ बढ़ती शुरू हो गई तो उनकी भी संख्या बढ़ती शुरू हो गई, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सामने है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से पथराव हुआ, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और पूरी तरीके से हालात को कंट्रोल कर लिया। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई हिंसा होती है, कोई झड़प होती है, कोई दंगा होता है तो उसकी कोई शक्ल नहीं होती, उसमें कोई किसी का धर्म नहीं होता, कोई किसी की जात नहीं होती, लेकिन भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। और यही वजह है कि आज जो यहाँ पर कुछ हुआ उसमें असामाजिक तत्व ज़रूर थे, क्योंकि आम जो लोग रहते हैं वो
बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरीके का पथराव हो, इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो खराब हो। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीलमपुर में भी कुछ असामाजिक तत्वों ने स्थिति को खराब करने की कोशिश की, सिचुएशंस को खराब करने की कोशिश की, लेकिन आम लोग समझे। दिल्ली पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से, वाकई में जो अधिकारी थे वो तुरंत मौके पर आए और उन्होंने स्थिति को कंट्रोल कर लिया। लेकिन फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, हालांकि भीड़ यहाँ पर अभी भी देखी जा रही है, लेकिन किसी तरीके का आप कहें कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किसी तरीके का उपद्रव हो रहा है, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस अभी भी उनको समझा रही है कि आप अपने घर चले जाइए, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जो भीड़ है यहाँ से चली जाएगी और सिचुएशन जो है पहले ही तरीके से हो जाएगी। और ये जो ट्रैफिक पूरी तरीके से रुका हुआ है, ये मौजपुर से सीलमपुर तक की जो रोड होती है उसका जो ट्रैफिक रुका हुआ है वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन रंजना, समझने वाली बात इसमें ये भी है कि जामिया नगर में ये हुआ और उसके बाद दिल्ली के कुछ और इलाकों में ऐसे खबर सामने आई कि इस तरीके की जो है हिंसा करने की कोशिश है, आज सीलमपुर से खबर आई, तो कुल मिला के इतना जाहिर है कि असामाजिक तत्व जो हैं वो लगातार देश की राजधानी दिल्ली में बने हुए हैं, वो सिचुएशन ख़राब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में दिल्ली की जो जनता है, जो आम लोग हैं, उनको समझना होगा कि अगर इस तरीके की स्थिति ख़राब करने की उनके इलाके में कोशिश की गई है, कोशिश अगर की जा रही है, तो वो सचेत रहें, वो बाहर ना निकलें और किसी भी तरीके का अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि सोशल मीडिया का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। और ऐसा देखा गया कि जामिया नगर में जो भी कुछ हुआ उसमें कई वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई, उसमें काफ़ी जो है वो अफवाह फैलाई गई, काफ़ी कुछ गलत लिखा गया और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाया गया कि दिल्ली पुलिस ने जो है जामिया नगर की कुछ बसों में आगजनी की है। लेकिन उसकी भी जाँच की जा रही है, लेकिन इतना साफ है कि अगर सोशल मीडिया पर कोई भी तरीके का वीडियो आ रहा है, कोई भी तरीके का मैसेज आ रहा है, तो आम जनता से यही अपील है, तो उसको समझिए और उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अगर अफवाह फैलाई जाती है और उसको अगर आप सच मानते हैं तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होती है। तो ऐसे में समझने वाली बात यही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, और अगर आपके इलाके में किसी भी तरीके की सिचुएशन ख़राब करने की कोशिश की जा रही है तो आप अपने घर में रहिए और दिल्ली पुलिस को सबसे पहले इन्फॉर्म कीजिए। बिल्कुल, टोटल न्यूज़ भी लगातार दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें और किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन को आगे पास भी ना करें। जो सोशल मीडिया पर मैसेजेस आ रहे हैं उन मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड ना किया जाए, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि माहौल शांत रहे और जो हालात बेकाबू हुए हैं वो काबू में आए। दिव्यांशु, ऐसी भी जानकारी मिल रही थी कि कई मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था और अब उन्हें खोल दिया गया है, क्या सब कुछ नॉर्मल है वहां पर मेट्रो स्टेशन बंद होने के कारण, क्या भीड़ आपको वहां देखने को मिली? देखिए बिल्कुल, ऐसे में रचना मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं और मेट्रो के तमाम, रोकना चाहूंगी दिव्यांशु आपको, सोनिया गांधी और विपक्ष का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलने के लिए गया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर मुलाकात करने गया था सोनिया गांधी के साथ पूरा डेलीगेशन, ऑल ऑफ अस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट ऑफ डिफरेंट पार्टी 12 ऑफ देम हैव मेट द प्रेसिडेंट to plead with him to intervene in the situation. The situation in the Northeast, which is now spreading throughout the country, including the capital, in the Jamia University, because of the act, is a very serious situation. We fear that it may spread even further. We are anguished at the manner in which the police has dealt with peaceful demonstration. We have the example in Delhi where the police entered the Jamia women hostel and dragged the women students out. It mercilessly beat other students, not only here in Delhi, who were demonstrating, which is their democratic right, as is our, to demonstrate. I think you all have seen that the BJP government, that the Modi government, seems to have no compulsion when it comes to shutting down people's voices,
and implement legislations which do not seem to be acceptable to the people and to us in a democracy. We have appealed to the president. We have asked the president to please advise the government to withdraw this diabolical, divisive act. State in his as the head of the state, unko government ko एडवाइस देना है, ये रिपील करना है, विड्रॉ करना है, ये नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा, क्योंकि दिस एक्ट ओनली विल अफेक्ट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, नोबडी हु इज रिच विल बी अफेक्टेड. सो वी हैव एडवाइस दिस एंड एज मैडम हैज सेड, वी हैव आल्सो एडवाइस्ड हिम ऑफ द स्टूडेंट्स, देयर इज एन अपीवल इन द होल कंट्री, सो दैट इज व्हाट वी हैव डन. 12 पॉलिटिकल पार्टीज. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. और सीधे रुक कर लेते हैं, दिवांशु मल्होत्रा का एडिशनल डीसीपी उनके साथ मौजूद हैं. सिचुएशन आप देख रहे हैं अभी अंडर कंट्रोल है, हम लोगों ने स्टाफ लगाया हुआ है, सफिशिएंट फोर्स है, बट लोगों से अपील कर रहे हैं, लोग अभी भी गुस्से में हैं, कुछ उनको समझाया जा रहा है. अमन कमेटी और बाकी के जो मौजूद लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों से हमने रिक्वेस्ट की है, तो सिचुएशन लगता है कि उसके बाद में थोड़ा काबू. और सर एक अगर मॉर्निंग की बात करें, कितने बजे से प्रदर्शन शुरू हुआ और कब हिंसक रूप? सुबह करीबन 11 बजे के बाद में जो है वो थोड़े थोड़े लोग इकट्ठा होना शुरू हुए थे. शुरू में तो 50-60 ही लोग थे, फिर जब ये सीलमपुर जाफराबाद के एरिया में अंदर घूम रहे थे तो लोग इनसे जुड़ते गए, और जाफराबाद मेट्रो स्टेशन मौजपुर के आसपास जो है वो काफी 3,000 के आसपास संख्या में लोग. सर कितने लोगों को चोट आई है, क्या पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है? ये हम लोग अभी स्टॉक ले रहे हैं, काफी पुलिसकर्मियों के भी चोट लगी है, पब्लिक वालों के भी चोट लगी है, तो वो हम लोग अभी. सर ये हिंसक किस कारण से शुरू हुई, कुछ अभी तक आप पता चल रहा है? ये अभी नहीं पता है, लेकिन ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, इस बैरिकेड पे 3,000 लोग इस तरफ थे. जब हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी, अपील करी, तो वो डिस्पर्सल शुरू होने वाला था, इतने में ही अचानक से. तो नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था और अब हालात काबू में हैं. सीलमपुर और जाफराबाद में विरोध प्रदर्शन हुआ, तस्वीरें आप देख सकते हैं, पत्थरबाजी हुई है, जमकर पत्थर चले हैं. पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े, और विपक्ष भी राष्ट्रपति से मुलाकात करके आया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं. सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े चेहरे जो मिलकर आए हैं. देखेंगे ये नॉर्थ ईस्ट को तो पूरी तरह से काट दिया देश से, पाकिस्तान यही चाहता है और पड़ोसी देश भी यही चाहते हैं कि हमने उनके देश को तोड़ा, वे हमारे देश को तोड़े, और ये मौका हमारी गवर्नमेंट उन्हें दे रही है. इसलिए हमने राष्ट्रपति महोदय से ही अनुरोध किया है कि वो हस्तक्षेप करें, गवर्नमेंट से कहें कि गवर्नमेंट दो कदम पीछे हटे, इस विधेयक को वापस ले. अगर देश में शांति ये चाहते हैं और देश को एकजुट रखना चाहते हैं, तो अगर केवल सत्ता में बने रहने के लिए देश को बांटने की कोशिश करते हैं तो अलग बात. 14 अभी दो चार पार्टी ने अभी उन्होंने 14-15 राजनीतिक दल, 2-3 तो यहाँ पहुँच नहीं पाए क्योंकि आज मौसम की वजह से कुछ फ्लाइट लेट हैं. उन्होंने मेमोरेंडम दिया, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने मेमोरेंडम सब की पार्टीज की तरफ से दिया, और मेमोरेंडम में क्या लिखा कि किस जल्दी से सरकार कितनी जल्दबाजी से काम कर रही थी ये बिल लाने की, और उनको मना भी किया था उनके एडवाइजर्स ने भी और दूसरे राजनीतिक दलों ने भी कि ये बिल जब कानून बनेगा ये देश के हित में नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मूल जो हमारे मूल आधार हैं उनके खिलाफ, ये देश को बांटने वाला बिल. लेकिन अपनी जो संख्या उनकी लोकसभा में थी और राज्यसभा में जो उन्होंने जोड़ी उसके आधार पर लोगों की कोई परवाह नहीं की, देश की कोई परवाह नहीं की, देश इस कानून को स्वीकार करे या ना करे उसकी कोई परवाह न करते हुए ये कानून बनाया. विपक्ष को चाहे वो दक्षिण के से हो, पूर्व से हो, पश्चिम से हो,
उन सबको ये मालूम था कि देशवासी इस बिल को नकार देंगे और यही हुआ। आज त्रिपुरा से लेकर, आसाम से लेकर, मेघालय से लेकर और नीचे केरला तक शायद कोई स्टेट रही हो, शायद कोई यूनिवर्सिटी रही हो, शायद कोई आईआईटी रहा हो, शायद कोई आईआईएम रहा हो या इंस्टीट्यूट्स के डॉक्टर्स हो, वो सब आज सड़कों पर हैं, पूरा देश सड़कों पर है। ये दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ने एडवाइजरीज इशू की हैं रीजनल चैनल्स को, नेशनल चैनल्स को, रीजनल पेपर्स को, नेशनल पेपर्स को, कि टेलीविजन पे, अखबार पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ नहीं दिखाना, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया भर में छप रहा है और दुनिया इस सरकार के खिलाफ बोल रही है कि इसने क्या किया है। तो इसका जो परिणाम निकला कि आज तमाम बच्चे और तमाम इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए और बच्चे सड़कों पर हैं और जिस बेदर्दी से लाठीचार्ज हो रहा, आज मैं सुबह आसाम बात कर रहा था, 5 लड़के तो गोली से मारे गए, 21 लड़के गोली से जख्मी हैं, सैकड़ों लोग अंदर जेलों में हैं। तो कश्मीर की तरह ये रिपीट हो रहा है पूरा देश, कश्मीर के बाद नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बाद अब पूरा देश, वही फार्मूला अपनाया गया है, टेलीफोन बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, व्हाट्सएप बंद कर दो, मैसेज बंद कर दो, टेलीविजन पे कोई खबर ना आए, पेपर में खबर ना आए, सिर्फ पुलिस से काम ले लो। तो ये पुलिस सरकार हो गई है पूरी देश, इसकी ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज निंदा करते हैं और यही माननीय राष्ट्रपति जी को हमने बताया। साथियों, इन क्विक एक सेकंड, बस क्विकली ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमारी तरफ से कांग्रेस चेयरपर्सन ने जो ज्ञापन दिया उसके मूल में हमने महामहिम से, क्योंकि वो संविधान के संरक्षक है एंड हेड ऑफ द स्टेट है, उनसे गुजारिश की कि महामहिम उन फैसलों से जिनसे संविधान का से फासला बढ़ता है उसके लिए आप सरकार से आग्रह करें हट धर्मिता त्याग करके पूरे देश को देखें, क्योंकि इसके बाद हमारे संविधान की प्रस्तावना को कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर हम तमाम दल यहाँ इकट्ठा हैं तो उन तमाम आंदोलनों के पक्ष में जो इस मूल बापू की 150वीं जयंती में शांतिपूर्ण तरीके से अपने संविधान को वापस चाहते हैं, संवैधानिक मूल्यों की वापसी चाहते हैं, और हमने महामहिम से पहलकदमी का आग्रह किया है कि सरकार से आग्रह करें हट धर्मिता त्याग कर इस एक्ट को वापस लिया जाए। फ्रेंड्स, बिफोर वी वेंट टू राष्ट्रपति, सम पीपल आस्क्ड मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ गोइंग टू राष्ट्रपति एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इज द यूज। President is head of the Indian state and President is the custodian of the constitution. So the parties represented here, we went there to appeal to the President. The Citizenship Amendment Act is unconstitutional. At this point of time, when the whole तो विपक्ष के डेलीगेशन ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। सोनिया गांधी, डी राजा, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा समेत तमाम बड़े चेहरे राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और सीएए के विरोध में अपनी बात रखी, बताया कि किस तरह से पूरे देश में नागरिकता संशोधित कानून का